इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस 7-8-9 जनवरी को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर शहर में होने जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत स्नेह भरा निमंत्रण भेज रही हूँ, आप ज़रूर आइए। ये दिवस आप ही के लिए मनाया जाता है। ये दिवस हम समर्पित करते हैं उन भारतवंशियों को जिन्होंने अपने पराक्रम से उन देशों में एक नई पहचान बनाई जहां वो केवल एक मजदूर के रूप में गए थे, और ये दिवस हम समर्पित करते हैं उन प्रवासी भारतीयों को जिन्होंने अपने परिश्रम से भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इसीलिए इसका नाम प्रवासी भारतीय दिवस रखा है। बिल्कुल नए रूप में इस बार प्रवासी भारतीय दिवस को मना रहे। हमने पूरा एक वर्ष चर्चाएं की हैं अलग अलग विषयों पर। पहले जब आप आते थे तो भाषण सुन के ताली बजा के चले जाते थे, आपकी अपनी भागीदारी नहीं होती थी। इस बार आपकी अपनी भागीदारी होगी। चर्चाओं से जितने सार और निचोड़ हमने निकाले हैं वो सब हम आपके सामने रखेंगे। उसमें आप जो जोड़ना चाहें, जो घटाना चाहें, वो आप स्वयं उसमें कर सकते हैं। और वो जो अंतिम सिफारिशें होंगी हम सरकार को भेजेंगे, अलग अलग मंत्रालयों को भेजेंगे, ताकि वो काम हो सकें जो आप चाहते हैं। इसके अलावा तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह की कलाएं, कर्नाटक की छटा और उसके साथ साथ पूरे भारत भर के कला और संस्कृति का दर्शन भी आपको वहां होगा। और आधुनिक भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है वो वर्तमान सरकार की उपलब्धियां भी आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा कुछ परोसने जा रहे हैं हम आपके लिए। आइए, ज़रूर आइए, हमारा ये स्नेहिल निमंत्रण स्वीकार करके। हाय भैया, कुछ सुना? हमारी बात तो आप मानते नहीं हैं, इसलिए विदेश मंत्री का प्यार भरा न्योता भेजना पड़ रहा है। देखा ना आपने, हम सब कितनी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। और आपकी सारी फेवरेट चीजें भी, लहसुन की चटनी, गोलगप्पे, इन सब के साथ आपका फेवरेट तिरंगा भी संभाल के रखा है, जिसे देखकर आप भावुक हो जाओगे। मेरा हिंदुस्तान आपको बुलाने आया है। प्रवासी भारतीय दिवस को नए उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं बेंगलुरु में। भारत सरकार ने पहली बार प्रवासी भारतीयों से जुड़ने का अभूतपूर्व प्रयास किया है। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत की तस्वीर पाइए और अपने बचपन की यादों को फिर से ताजा कीजिए। 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर 7 से 9 जनवरी 2017